अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं द स्ट्रेस का। जी जनाब, तो हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम रिएक्शन कर रहे हैं फिर से। ये हमने सीरीज़ बनाई हुई है, आप देख रहे होंगे काफ़ी हमारा सेम है, तो हमें टाइम मिलता है, पता है आपको यूनिवर्सिटी होती है, अपनी पढ़ाई होती है वगैरह और काम जॉब्स वगैरह, उसके टाइम निकाल के हम लोग एक साथ मिलते हैं तो रिएक्शन हम शूट कर लेते हैं वीडियोज़ ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रेलर्स की जो 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 आए होते हैं, ताकि साथ साथ डालते रहें। हाँ, साथ साथ आपको, ताकि हम फिर उसको एडिट करके जिस तरह होते हैं एडिट होती हैं उनको वैसे वैसे पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, बहरहाल आज नेटफ्लिक्स के ट्रेलर्स हैं उनका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला ट्रेलर हमारा है द स्ट्रेस का आया है, अब कुछ पता नहीं है इसके बारे में क्या है, बहरहाल हम शुरू करते हैं। मैं हूँ उज़ैफ़ा। मैं हूँ इस्माइल। और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्शन यूट्यूब चैनल। जी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट भी करें, शेयर भी कर दें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हाँ, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़, वीडियो को पूरा देखें, हमारा वॉच टाइम पूरा करें। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं द स्ट्रेस का ऑफिशियल ट्रेलर। हाँ, परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ चल रही थी उसकी, उसके बाद नहीं कोई कहानी गेम। हॉरर लग रही है। नेटफ्लिक्स की मूवी है ना। पता नहीं यार क्या चल रहा है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मुझे लग रही थी शायद पूरी उस पर ही है, लेकिन ज़रा इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है कोई, वो भी सीन चल रहा है साथ साथ ना। लेकिन ऐसा भी लग रहा है लास्ट में जो उन्होंने दिखाया ना, ऐसा भी लग रहा है कि कोई खेल रहा है। हाँ, पता नहीं उसको लग रहा है शायद वो हेलुसिनेट कर रही है या फिर वही दिमाग में चल रही है मतलब के, लेकिन अब वो क्या असल में कहानी है या फिर डिफरेंट किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ज़रा, हॉरर उसमें है, हॉरर अटैच भी है इसमें। हाँ, समझ इतना कोई खास नहीं आ रहा, वो देखेंगे तो चलेगा, बचल रहा है कि वही वो कह रही है कि ये हो रहा है लेकिन वो उसके सामने नहीं आ रहा, अब वो पता नहीं सच है कि गलत है कुछ बंदों पे नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि वो एक दो लड़का और लड़की है वो जो बार बार ना उसी पे दिखाए जा रहे हैं कि बार बार वही आ रहे हैं उसके सामने ना, तो वही दोनों ही उसके मतलब कि मेन वो लग रहे हैं जो ना विलन है एंटागोनिस्ट कह रहे हो आप, कि वही बार बार आई जा रही है और किसी और पे हलुसिनेट नहीं कर रही वो। ऐसे ही है। हाँ, अब वो पता नहीं वो रियल में भी हैं या कोई तरीका है या क्या सीन है भाई, मूवी देखेंगे तो चलेगा। ठीक है, बहरहाल ये था हमारा रिएक्शन, होपफुली पसंद आएगा आपको। अभी के लिए इतना ही करते हैं, आप लोगों को जो समझ आया हो कुछ कहानी कोई आपकी थ्योरीज हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। बहरहाल तब के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।